जिस तरह इंडिया एक लाइन लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और लाइन ये लेने की कोशिश कर रहा है भाई, आप फॉर एग्जाम्पल टोन एंड टैनर चेक करें, फॉर एग्जाम्पल क्या नाम है हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर है, डॉक साहब। हाँ जी साहब, जी डॉक साहब थोड़े असर्टिव बात कर रहे हैं, उन्होंने बुक लिखी द इंडियन वे, मोदी जी भी जरा जो है ना वो कर रहे हैं वो सारा, मतलब दैट्स गुड, मतलब अ नेशन शुड बी प्राउड ऑफ इट्स वैल्यू, इट्स कल्चर, इट्स स्ट्रेंथ, इट्स नेशनल पावर की बड़ी वैल्यू होती है, और हर मुल्क और हर लीडर काम करता है उसके लिए काम करना चाहिए, आई फुली एग्री विद दैट, इट्स वर्किंग वेरी हार्ड, इट्स ग्लोबली रेलिवेंट कंट्री, एवरीबॉडी इज नेमिंग टॉकिंग ऑफ इंडिया, इट्स पावर एंड ऑल दैट, ठीक है। आप नहीं समझते कि ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो डॉक्टर साहब है ये थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, या कि आप समझते हैं कि इंडिया इज गिविंग सच स्टेटमेंट्स एज पर इट्स नेशनल पावर एंड ऑल दैट? देखिए चीमा साहब, ये भी आपने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा, थोड़ा हमारे डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हटके, कोई बात नहीं। देखिए चीमा साहब, अगर आपके बाई पीपीपी आर 11.75 ट्रिलियन, यू आर द हाईएस्ट यूथ इन द वर्ल्ड, यू प्रोड्यूस मैक्सिमम इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, यू आर द बिगेस्ट डाटा सेंटर्स, यू आर द बिगेस्ट मार्केट, यू आर द बिगेस्ट रिटेल, यू आर द थर्ड बिगेस्ट मिलिट्री, यू आर द फर्स्ट बिगेस्ट आर्मी बाय नंबर, यू आर द थर्ड मोस्ट लीथल एयरफोर्स, यू आर द थर्ड मोस्ट लीथल नेवी, योर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर नंबर फाइव इन द वर्ल्ड, एंड बाई जीडीपी यू आर नंबर फाइव एंड ग्रोइंग, यू हैव अ डेमोग्राफिक डिविडेंड, यू हैव अ वेरी हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एंड योर स्किल इज मैमथ, यू आर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, योर पर कैपिटा इनकम हैज ऑलमोस्ट डबल्ड इन लास्ट 5 7 इयर्स, इन लास्ट 7 इयर्स द इकोनॉमी फ्रॉम 1.1 ट्रिलियन, 1.8 ट्रिलियन हैज रीच्ड टू 3.3 ट्रिलियन इज व्हाट वी लुक एट नाउ, एंड द वे वी आर ग्रोइंग नेक्स्ट 40 50 साल हमारे हैं, एंड वी आर 1/5 ऑफ द ह्यूमैनिटी, राइट। अगर हम ये सब हैं तो चाइना अपनी जगह, यूएस अपनी जगह मुबारक, हमें तो हमारी जगह चाहिए ना, ना तो हम उनसे जगह मांग रहे हैं, ना परमिशन ले रहे हैं, ना उनकी जगह छीन रहे हैं, ना उनसे इजाजत ले रहे हैं। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो मैंने आपको मतलब बैक ऑफ द स्टैम्प वाली चीजें बताई, बड़े बड़े पैरामीटर्स ये हमारे पास है, सो वी कमांड अ प्लेस ऑफ आवर ओन, सो इट इज नॉट अबाउट खान कौन है, नवाब कौन है, आलमगीर कौन था और जहांगीर कौन था, उसकी तो बात ही नहीं हो रही भाई साहब। जब से ये सिविलाइजेशन पैदा नहीं, हम तो 24,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है चीमा साहब, इट इज साइंटिफिकली प्रूव, सनातन इज 24,000 ईयर्स विच इज साइंटिफिकली प्रूव, और अगर मैं आपको उस पर कभी आप उस पर डिस्कशन करिएगा, मैं आपको ऐसे फैक्ट्स दूंगा आप सुन के हैरान हो जाएंगे, और फैक्ट्स दूंगा, परसेप्शन नहीं बोलूंगा, फैक्ट्स दूंगा। तो ये जब वो पुरानी सिविलाइजेशन है तो चाइनीज अपनी जगह, अमेरिकन अपनी जगह, हम तो अपना वी आर क्लेमिंग अवर प्लेस इन द वर्ल्ड अफेयर्स। Now, Dr. Jaishankar is doing what is in the right of India, or I am very sure he is in tandem with Prime Minister Modi. क्योंकि देखिए External Affairs Minister और Prime Minister अलग-अलग बात नहीं करते. They are always in tandem. They know what they are doing and they are controlling the ship. They are controlling. They are in perfectly in command. So, in fact, Dr. Jaishankar represents the vision of Prime Minister Modi and the vision of India. तो इसमें कोई गड़बड़ तो है नहीं. अब इन इतने सब parameters के होते हुए, अगर हम we demand or we command a respect in the world affairs, that is our right. एंड बाय द वे, दो तीन चीजें जाते जाते आपको बोलूंगा, वी इन्वेंटेड द मेडिसिन चरक, वी इन्वेंटेड साइन टेबल्स, वी इन्वेंटेड अलजेब्रा, वी इन्वेंटेड जीरो, वी वर द फर्स्ट प्लास्टर सर्जन्स, वी डिस्कवर्ड मेडिसिन, ये पांच छह चीजें ऑन द टॉप ऑफ माई माइंड रिकॉल है जो हिस्टोरिकली एस्टेब्लिश्ड है। अगर आज साइन टेबल्स ना, आज नेगेटिव नंबर ना, आज अलजेब्रा ना, आज जीरो ना, बाइनरी ना, क्यों बाइनरी, एंड बाय द वे संस्कृत इज द मोस्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर लैंग्वेज, ये बिल गेट्स कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। अगर आपको चीमा साहब सुनाने रहूंगा तो डिबेट कहीं और चली जाएगी, हमारा इंटरव्यू कहीं और चला जाएगा और बहुत टाइम लगेगा। कभी आप इस पे अलग से रखें तो मैं आपको 100 200 पॉइंट तो गिना दूंगा। लगता है कि इमरान खान, मैं कोई ज्यादती बात किसी के लिए नहीं करना चाह रहा, बट मुझे लगता है ये इंसान कायर है, थोड़ा सा डरपोक है, हर चीज से डरना, हाय मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो गई, हाय लोग साजिश कर रहे हैं, हाय लोग मुझे मार देंगे, हाय मुझे झूठी तरीके से कुर्सी से नीचे उतार दिया, हाय इंडियन थिंक टैंक ये बोल रहे हैं, ये या तो डरता भी है और ये लोगों को डराता भी है, बम मार दो ऊपर, पाकिस्तान के 3 नहीं तो 4 टुकड़े, पता नहीं क्या क्या अजीबो गरीब बातें। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ये आदमी और डेस्परेट हो रहा है, कौन से थिंक टैंक है मैं जानना चाहता हूं। और अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरे पाकिस्तानी दोस्त भाई बहन ये देख रहे हैं वीडियो, आप वो थिंक टैंक आप उसकी लिंक यहाँ पे कमेंट्स में पोस्ट करिए प्लीज, मैं भी देखूं जरा कि हमारे किस थिंक टैंक ने बोला है, और अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर ये देख रहा हो तो आप बताइए कौन सा थिंक टैंक है। देखिए हमारे यहां एक आजाद सोच रखने वाले लोग हैं, और माफ करिएगा लेकिन हमारे यहां फोन नहीं आते कभी किसी के,
आप कुछ भी बोलें, आप रोज मोदी जी के खिलाफ रात के 9 बजे आप भाषण दें टीवी पे, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आपका हक है बोलने का, ये कानून आपको हक देता है। कोई हमारा आर्मी से या पुलिस से या किसी और इंटेलिजेंस एजेंसी से कभी किसी को कॉल नहीं आता। आप खुश होके आपको जिसके जो बोलनी बोलिए। हर चीज जो इंडियन मीडिया में अगर चलती है उसको ये बोलना कि इंडियन साजिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये साजिश हम क्यों करेंगे, हमें क्या मिलना है? कह रहे जी इंडिया हमारे एटमी हथियार चाहता है, हमारे पास खुद अपने हैं, और हमें इतनी अकल है, इतनी बुद्धि है हमें इंडियंस को और दुनिया को भी है। ये पता नहीं इमरान खान को क्यों समझ में नहीं आ रही, एटमी हथियारों से कुछ नहीं होता। रुपया 200 पार हो गया, एटम बम कुछ कर पाया? 200 रुपए लीटर तेल चला गया, एटम बम कुछ कर पाया? पाकिस्तान में कह रहे हैं, कराची में 17-18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, एटम बम कुछ कर पाया?